हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आलू के कोफ्ते की रेसिपी। उसके लिए मैंने सबसे पहले मटर छील लिया है, फिर मैंने उसको ग्राइंडर में पीस लिया है और अभी तैयार कर लेते हैं सब्ज़ी के लिए कुछ मसाले। मैंने लिया है एक मीडियम साइज़ प्याज, कुछ लहसुन की कलियाँ, थोड़ा सा अदरक, साबुत लाल मिर्च, थोड़ा सा मिर्च पाउडर, थोड़ा सा सब्ज़ी मसाला, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और दो छोटे चम्मच धनिया पाउडर। अभी मैं प्याज कट कर लेती हूँ। इसके बाद हम तैयार करेंगे इसका मसाला। जो मम्मी के हाथ का खाना बनाती है ना, उसमें जो टेस्ट आता है वो मैं तो कितना भी ट्राई कर लूँ फिर भी वो टेस्ट नहीं आता। मैं हॉस्टल में मम्मी के हाथ का खाना बहुत मिस करती हूँ। आप लोग भी अपने मम्मी के हाथ का खाना मिस करते होंगे ना? बस आप लोग मेरी वीडियो को सपोर्ट नहीं करते, कोई भी कमेंट करके नहीं बताता कि आप लोग को वीडियो कैसी लगी। अभी प्याज कट करके ग्राइंडर में डाल रही हूँ। आप लोग कमेंट करके तो बता दिया करें मुझे वीडियो में कौन कौन सी मुझे इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, वीडियो आपको कौन सी अच्छी लगती हैं। मुझे तो समझ ही नहीं आता आप लोग को वीडियो पसंद आ भी रही है या नहीं आ रही। मम्मी बहुत मेहनत करके वीडियोस बनाती हैं। मैंने ग्राइंडर में डाल दिए सारे मसाले, एंड में मैंने उसमें डाला थोड़ा सा अदरक और मसाला पीस करके हो गया तैयार। अभी कर लेते हैं इसके कोफ्ते बनाने की तैयारी। ये रेसिपी आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत टेस्टी होती है, मुझे तो बहुत पसंद है। वैसे मुझे लौकी के कोफ्ते भी बहुत पसंद हैं, लेकिन मटर के कोफ्ते का टेस्ट तो बहुत ही अच्छा होता है। तो जो मैंने मटर को ग्राइंड करके रखा था उसमें मैंने ऐड किया है एक बड़े चम्मच बेसन, थोड़ा सा नमक, बहुत ज़्यादा नमक ऐड नहीं करना है क्योंकि नमक अभी हम मसाले में भी ऐड करेंगे। इसमें हमें पानी नहीं डालना है क्योंकि मटर में पानी होता है, वो गीला रहता है। उसमें हमें बेसन ऐड करके इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। और देखिए ये हो गया तैयार, मसाला भी तैयार है। तेल मैंने ऑलरेडी कढ़ाई में रख दिया था गर्म होने के लिए। थोड़ा सा वेट करेंगे तेल गर्म हो जाए अच्छे से। अभी तेल हो गया है गरम, तो हम छोटे छोटे से वो बना करके इसमें कोफ्ते डाल देंगे। कोफ्ते ये ऐसे भी बहुत टेस्टी लगते हैं, आप टमाटर की चटनी के साथ भी खा सकते हैं क्योंकि ये मटर और बेसन के बने हुए हैं। पापा तो मेरे ऐसे ही खा पसंद करते हैं ये कोफ्ते टमाटर की चटनी के साथ। देखने में भी तो कितने टेस्टी टेस्टी लग रहे हैं ना। अभी इन सबको पलट देंगे ताकि ये जले नहीं। अभी ये देखिए जो कोफ्ते हैं हमारे वो पक करके तैयार हो गए। इसको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, नहीं तो ये बहुत क्रिस्पी हो जाएगा। फिर जब हम इसको ग्रेवी में डालेंगे तो ये एकदम टाइट रहेंगे, सॉफ्ट नहीं होंगे ये। अभी हम कर लेते हैं मसाले को पकाने की तैयारी। हमने कढ़ाई में डाला है थोड़ा सा तेल, उसमें डाले हैं मसाले जो हमने ऑलरेडी पीस करके रखे हुए थे। सबसे ज़्यादा टाइम मसाला पकाने में ही लगता है, अगर मसाले को हाई फ्लेम पे पका देते हैं तो मसाला जल जाता है। और अभी देखिए मसाले से ऑयल जो है वो अलग होने लग गया, इसका मतलब है मसाला पक गया। इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, पानी थोड़ा सा ज़्यादा ही रख लें क्योंकि जो कोफ्ते हैं वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेंगे तो पानी ग्रेवी जो है वो बहुत कम हो जाएगी। ये देखिए इसको मैंने तोड़ लिया है, छोटे छोटे पीसेज में कर लिया है जो मैंने कोफ्ता बनाया था। अभी वेट करेंगे पानी को थोड़ा सा उबलने के लिए, जब पानी में हल्की उबाल आनी स्टार्ट हो जाएगी तब हम इसमें कोफ्ते ऐड करेंगे।
अभी देखिए जो हमने जो ग्रेवी रखा है इसमें हल्का सा उबाल आना स्टार्ट हो गया। अभी हम इसमें थोड़ा सा नमक और डाल देंगे क्योंकि हमने जब कोफ्ता बनाया था उसमें नमक बहुत कम ही रखा था। अभी हम इसमें ऐड कर देंगे कोफ्ते। इसको हम 5 to 7 मिनट्स तक पकाएंगे, जब ग्रेवी गाढ़ी होने लग जाएगी तब हम गैस बंद कर देंगे। और ये देखिए कितना टेस्टी सा कोफ्ता बन करके हो गया है तैयार। आप लोग बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।